तत्पश्चात वह शिक्षा गुरु पाद पद्म प्रतिलीला भविष्य विष्णु पाद सदस्य श्री श्री माधवी वेदांत शिवला नारायण गोस्वामी महाराज विचरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी पंडित तथा गुरुजन प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। ये ग्रंथ का नाम है श्री हरिनाम की महिमा। ये श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इसमें जो विषय है हरिनाम चिंतन श्रवणातिर प्रणाली, मतलब है जो हरिनाम चिंतन श्रवण करने का विधि क्या है। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं यदि भगवान का जो अभक्त जो अवैष्णव है इनको पास में हरि नामादि श्रवण नहीं करनी चाहिए। तब यहाँ पर कहते भाई प्रमाण किया है इसका विवाद। तो प्रभुपाद यहाँ पर कोटेशन देते हैं पद्म पुराण से, क्या श्लोक है बोले अवैष्णव हरि कथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथा पर। तो प्रभुपाद यहाँ पर श्लोक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो भगवान का जो नाम है जो हरि नाम है और हरि तथा मृत कभी भी अवैष्णव का मुँह से श्रवण करने का कर्तव्य नहीं। कहते कारण क्या है बोले कारण बताया बोले सर्वोचिष्ट बुद्ध नाय कहते प्राण नाश कर दिया था कि प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं जैसे दूध दूध पीने से क्या होता है उधार की वृद्धि होगा पुष्टि होगी पुष्टि होगी है शरीर में ताकत आएगी। कहते उसी हरिनाम उसी दूध में अगर कोई सांप मुंह मार दे वो देखने के लिए लगेगा कि दूध है लेकिन जब हम उसको पान करें क्या होगा कहते वही दूध मृत्यु का कारण बनता है। कहते उसी तरह कहते जो अवैष्णव है जो वैष्णव नहीं है जो विष्णु दीक्षा में जो दीक्षित नहीं है जो भक्त नहीं है कहते उनसे भगवान की जो हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। यद्यपि देखने के लिए लगेगा बोलते भगवान की कथा बोलते हैं तो बोलते हैं ना ये तो भगवान की कथा बोल रहे हैं तो भगवान की कथा तो कल्याणकारी हो ही रहा है। कोई भी हरी कथा बोले कोई भी भगवान की कथा बोले उसमें तो कल्याण हो ही रहा है कोई भी बोलते हैं बोले नहीं फिर उनसे कल्याण नहीं होगा। उससे सुनने पर लगेगा तो जैसा है कथा भगवान की कथा है लेकिन वो जो कथा है भगवत भक्ति जगवाली नहीं होगा। अगर उसका हम पान करेंगे तो क्या होगा कि ये मृत्यु का कारण है। इसलिए बताए कि इसे समुद्र मंथन हुई है लेकिन वहाँ से बीज भी निकला और वहाँ से अमृत दो जीव समुद्र मंथन है और बीज किसको बीज को तो शंकर जी ने पान कर लिया लेकिन उसका अमृत किसको मिला है कहती है देवता को ये अमृत मिला। कहते उसी तरह जो शास्त्र है उसकी मंथन से भी बीस भी निकलेगा और उससे अमृत मिलेगा। अगर हम अवैष्णव का मुँह से कथा सुनेंगे तो फिर क्या निकलेगा कहते वहाँ पर बीस निकलेगा वहाँ पर बीस निकलेगा वहाँ पर अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते जो कान रूपी जो दोना है ना कान कैसे बने दोना जैसे बोले दोना से क्या करते हैं कोई जूस हो कोई मीठा हो खीर हो उसका कान करते हैं। इसलिए भगवान ये कान को भगवान ने ये दोना जैसे बनाया बोले क्यों बोले कृष्ण कथा मृत को पान करने के लिए दोना जैसे बनाया क्योंकि ये दोने सबको बन गया
तभी गुणा सबको मध्या प्रदान को। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं जिनके कोई संबंध ज्ञान जिनका है, अगर उसको ये गुणा दोगे ना कृपा पदभ्रष्ट हो, आप फिर भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो कथा कर रहे हैं उसको अपना संबंध ज्ञान है, उनका अपना ही संबंध ज्ञान है। कभी दुर्गा जी पूजा करता है, कभी काली जी का पूजा करता है, कभी शंकर जी की पूजा करता है, जिसको करता है उसको पूजा करता रहता है, जिसका स्वयं संबंध ज्ञान नहीं भगवान के साथ में, फिर अगर हम कथा सुनेंगे तो क्या है? हम भी उससे भटक जाएंगे, हम भी भटक जाएंगे। इसलिए कहते हैं भैया सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए, सबसे विशेष करके जो अभय स्नल है उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। सुनने से क्या होगा, मृत्यु मतलब क्या है, कहते भक्ति जगत में है, जो शुद्ध भक्ति जगत धारा में फिर हम चल नहीं सकते, ये प्रभुपाद का उपदेश। तब यहाँ पर कहते हैं जीवन अवश्य विनाश रहती हुई भक्ति प्रति संपूर्ण रूप से ध्वंस प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद कहते जो भक्ति वृत्ति, भक्ति करने का जो भावना कहते ये बहुत बढ़िया श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति न्याय रहित तो अन्याय न सुनती है, मतलब जो व्यक्ति न्याय रहित तो अन्याय को जो श्रवण करते हैं, जो वास्तव रूप में जो शुद्ध भक्ति की धारा नहीं, जो बोलते हैं और जो ये चीज को सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो सुनते हैं, तो क्या होता है, बोले ताबू हम नरक हम गोरम, कहते दोनों ही जो सुनने वाले और जो बोलने वाले, कहते ताबू हम नरक हम गोरम, कहते दोनों को ही घोर नरक भी प्राप्त होता है। ताबू हम नरक हम गोरम ब्रजत हकार अनंत अनंत काल के लिए ये दोनों घोर नरक में प्रवेश करते, जो न्याय जो अन्याय को जो बोलते हैं और जो सुनते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जिन्हें न्याय रहित भैया अर्थात सदाचार निष्ठा परित्याग पूर्वक मत्स्य मांसादि अवैध भोजन क्रिया परिकीर्तनादि करें, जिन्हें अन्याय भावित वहाँ और राधा कृष्ण का पूजा हो रहा है। मैंने सोचा ये तो भैया परम भक्त है, ऐसे बात करते करते मैंने पूछा अपने मांस मांस खाना तो बोले बाबा खाई बाबा कहते कभी कभी मांस मांस में खाना, इसलिए बंगाल में गले में बैठे भी कहते कि तिलक भी लगाएंगे हरिनाम भी करेंगे, फिर सर पे सब मांस मछली खाने वाले जो गुरु जी है ना, जो कुलों के गुरु जी होते हैं, बोले भैया आज गुरु जी आए हैं, आज सबसे बढ़िया मछली लाएंगे बंगाल में, सबसे बढ़िया मछली बहुत बढ़िया सबसे बढ़िया मछली लाल बहुत बढ़िया मछली लाल देव लाए हैं गुरु जी की सेवा के लिए। इसलिए प्रभुपाद ये चार गोसाई प्रभुपाद को करके मिले, कारण देखा प्रभुपाद जब आए उन्होंने एग्जीबिशन लगाया, एग्जीबिशन में क्या लगाया, चेला बड़े बड़े मछली भेंट ला करके गुरु जी को भेंट दे, मतलब प्रभुपाद कैसे उसी समय का समय था, जो व्यक्ति ऐसे न्याय रहित तो जो अन्याय को जो श्रवण करते हैं और जो सुनते हैं, कहते दोनों चेला और गुरु क्या करते दोनों ही ताबुगम नरगम गुरम, कहते दोनों ही नरक में प्रवेश करते हैं। हमारे गाँव में जब गुरु जी आते थे गुरु जी बीच में बैठते थे तो चेला चारों तरफ में घूमते थे और गुरु जी स्वयं चिलम और चिल्ला पहले गुरु जी को फिर चेला
इसलिए जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं यदि दोनों गुरु चला गया कहीं अनाथ काल के लिए अनंत काल के लिए दोनों ये नरक में प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तृतीय श्लोक इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अवैष्णवदिष्ट हरिनामादि श्रवण कर ले हो हरिनाम मंत्रादि ग्रहण कर ले निश्चय नर्क जाएगा। अगर जो गुरुदेव वैष्णव नहीं हो, इसलिए वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का क्या भी नस्ल क्या है बोलो? श्री तो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा शुद्ध वैष्णव गुरु ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम करते हैं इसमें पाप नहीं,
वीडियो का आधार दिए, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद के दोस्त भी दोस्त नहीं है। फिर वैष्णव साधु महाकर सेवा वो संग कृपा वेदिक हरिनाम श्रवण भक्ति भैया ये विषय प्रमाण श्री गौरांग महाप्रभु कहते श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना मुंह से भक्तों को कुछ उपदेश दिए। बोले क्या उपदेश महाप्रभु का? बोले कृष्णा भक्ति जन्म हो साधु संग कृष्ण प्रिय भजन कहते हो साधु संग नहीं करते हैं। तो कृष्ण भक्ति का जो जन्म है कहाँ से कृष्ण भक्ति जन्म है? साधु संग से। जब तक हम साधु वैष्णव का संग नहीं करेंगे तो कभी भी कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका जन्म का जो मूल ही साधु संग है। इसलिए श्री भरत महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले रघुगण ही न तपस्या तपस्या अगर कोई साधु संत बगैर खुद तपस्या करके भगवत प्राप्त हो जाए कृष्ण भक्त मिल जाए कोई तपस्या से नहीं मिलते। इसलिए और एक श्लोक बताया, श्लोक याद है आप? वृंदावन में रहते हुए वृंदावन में रहते
सिगरेट पी रहे हैं, गंजा फूक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बैंकिंग आदि कर रहे हैं, इतने गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ उन लोगों को विदेश में आकर के कैटी माला के लिए उन लोग यहाँ पर कार्पेट में आते हैं, वहाँ भी उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। कहते कृष्ण भक्ति रस भविता भक्ति, जिसका मति संपूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति रस में सराबर हुए हो, अगर जीवन में ऐसे कोई समय मिल जाए ना, अगर ऐसे कोई समय मिल जाए में संग है संग, अगर ऐसे कोई संग मिल जाए कहते भक्ति मिलती है कैसे, बोले सुकृत कृप संचित है, कहते ये पूर्व जन्म का सुकृति को द्वारा ही भक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सुकृति रखना बहुत बड़ी बात कहते हैं, करोड़ों करोड़ सुकृति को द्वारा जो वस्तु तुम प्राप्त कर सकते हो बात नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा प्राप्त कर सकते हो अगर ऐसे भी कृष्ण भक्ति में डूबे जो भक्त का संग अगर उसका इतना भक्त। देखो प्रभुपाद से देखो एक जब हम सुनते हैं ना कि प्रभुपाद का आश्रित कुछ भी में हम प्रणाम करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और हमारे महाराज जी को देखो भक्तिवेदांत शुक्ला नारायण गोस्वामी महाराज जब मथुरा में रहते थे है, जब मैं पहला बार आए ना मैंने देखा हे भगवान यहाँ पर कृष्ण भक्ति रस की पता की नदी बह रही है। हम गौरी मैडम कहते हैं कि एक बार पाठ होता है वहाँ जब आया कोई आता था तो उधर चार चार बार पाठ करते थे, चार चार बार है सवेरे एक बार बैठे बोलते हो गया सगर किस तक फिर दूसरे तक क्या सोचते थे कि पुष्पानंद थे मैं दोपहर फिर दस बार फिर बैठे तक आ फिर उसके बाद दे जैसे फिर शाम को चार बजे चार बजे तक था फिर हो जाएगा फिर आरती होगी ना फिर आरती के बाद फिर गुरुदेव बैठे आरती के बाद में फिर गुरुदेव सबको बोलने सबके सब बोलने सब गुरुदेव पहचान इसलिए मैं वहाँ पर आकर जो देख रहे तभी तो आपने गुरु जी इतने सारे भक्ति इतने अच्छे जो गुरुदेव का संकेत किए इतने अच्छी 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 कथा सुना था हमारे महाराज के शिष्य। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल हरे साधु संग, इसलिए कृष्ण भक्ति का जो जन्म उसका जो जड़ है वो कहाँ से होगा साधु, इसलिए कहते हैं साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि। इसलिए बोले अगर एक लव अगर साधु संग हो जाए एक लव कितना संग होता है एक सेकंड का एक सेकंड का ग्यारह भाग का एकमा भाग का एक लव कहते हैं कितने कम समय है अगर उतना समय अगर जिसको मिल जाए बोले जिसको साथ में स्वर्ग को भक्तों को बराबर नहीं कर तब विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं बोले भैया ऐसे क्या चीज मिलता है ऐसे एक लव साधु संग से क्या चीज मिलती है जिसके लिए कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग में जो सुख है कितना सुख स्वर्ग यहाँ पर जितने सुख सौ ज्यादा और उसको ऊपर कहो वहाँ पर जितने सुख उससे सौ में आप ज्यादा और उसको ऊपर में और सौ में ज्यादा उसको ऊपर में और सौ में ज्यादा और ब्रह्म लोग में सौ में ज्यादा कहते बुक से में मुक्ति में उसमें मतलब जो जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने वहाँ पर सुख और कितना वहाँ आनंद वहाँ इतने आनंद है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग से लेकर के अपन मुक्ति जो मुक्ति सुख है इसको मिला करके भी साधु संघ में जो आनंद है उसका एक लव का बराबर भी नहीं कर सकता उसका नहीं कर सकता इतनी विश्वनाथ ठाकुर भैया क्या मिलता है कहते उससे फिर क्या मिलती है जो इतने बड़ी बात होता है क्या मिलती होगा क्या मिलती है क्यों इतने बड़ी बात होता है यहाँ एक लव साधु संघ को साथ में भी तो बराबर नहीं कर सकते क्या मिलता है मतलब क्या मिलता है जो इतनी बड़ी बात होता है सबसे विश्वनाथ को भी कहते हैं कहते
जो साधु संगत है ना, क्योंकि जो भक्ति है ये संतों का हृदय, भक्तों का हृदय, लेकिन उसका जो बीज है, जब तक कोई बीज नहीं होगा उसका पेड़ नहीं हो सकता, पहले बीज होनी चाहिए पर तो पेड़ होता है। क्योंकि शुद्ध वैष्णव से भक्ति की जो लता की जो बीज है ना उसे भक्तों से वो बीज है, बीज के बगैर कोई पेड़ नहीं हो सकता। और वो बीज की श्रद्धा साधु संघ से वो बीज प्राप्त होता है, केवल साधु से ही वैष्णव से ही होता है और कहीं से नहीं होता। इसलिए भगवान खुद कहते हैं अनुप्रजा भी आप विद्या पूरे एक अंतर व्यक्ति या विश्वनाथ जी को कहते हैं कहते भगवान भी बोले जीव की बात छोड़ दो, जीव की बात छोड़ दो, भगवान भी भक्तों को पीछे 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 चलते। बोले क्यों? कारण क्या? जीव का बात छोड़ दो, वैष्णव कितने महिमा, कितने महिमा भगवान भी भक्त को पीछे 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 चलते। बोले क्यों? बोले मेरे सर ऊपर चरण भी पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। बोले आप क्या पवित्र हो गए? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भक्तों का ही नहीं, भक्त लोग मेरे सेवा करते हैं, तीन बार सेवा करते हैं भक्त लोग। अरे भगवान कहते भैया इतना सेवा कर ले लो, पर भक्त क्या करते हैं? बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता पर भक्त प्रभु कुछ नहीं चाहिए, धन जन पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण की सेवा। बल्कि एक तो तुम लोग मेरी सेवा करते हो, सेवा करते करते मैं ऋणी हो गया, फिर चाहता हूँ थोड़ी से ऋणी से ऋणी हो, फिर भी बोल दो सेवा चाहिए, फिर क्या हुआ? मैं चाहता फिर तुम्हारी ऋणी हो गया ना। इसलिए कृष्ण सोचते हैं भैया इनका ऋणी से ऋणी कैसे बनो, इनके ऋणी से ऋणी कैसे बनो। इसलिए भगवान कहते हैं भैया इनके पीछे पीछे चलो, अगर सामने तो चल रहा कोई लुटा तो ये तो देने ही नहीं, भक्त देगा थोड़ी भगवान को चलो देगा ही नहीं। इसलिए अगर मैं पीछे पीछे चलूँगा ना, जब पूर्ण करके मेरे सर पर पड़ेगा थोड़ी समय ऋणी से ऋणी हो जाऊँगा और थोड़ी समय हल्का। यहाँ पर से विश्वनाथ जी कहते हैं भैया भक्तों का चरण धूल से इसे क्या चीज मिलता है, जो कि भगवान भी चरण धूल चाहते हैं। क्या मैंने बहुत बार बताया, मैंने बहुत बार ये बात बताया, याद है? क्यों भक्तों का चरण धूल भगवान क्यों चाहते हैं? बोलो उसको याद है? अरे पहले बहुत बार याद है, अभी सुन लो फिर फिर बात में सुन लो। बहुत अच्छी बात विश्वनाथ जी ने जो टीका है ना, इतने रस टीका है, इतने गहरा टीका है, इतने अद्भुत टीका है। देखो क्या कहते हैं, कहते भगवान के विषय विग्रह है, भक्त आश्रय विग्रह है, लेकिन भगवान विषय विग्रह होने के नाते जैसे रसगुल्ला, अभी रसगुल्ला में क्या आदत है रसगुल्ला को थोड़ी पता है, अभी रसगुल्ला जो खाते हैं उनको पता है भगवान का रस। भगवान रसक ऐसे रसम जलाया लगभग भगवान के रसक रसा रसम होते, भगवान स्वयं रस स्वरूप आनंद स्वरूप, आनंद कहते हैं भगवान। लेकिन तू भगवान को मेरे अंदर जो उतने पिंडा है ना, ये भगवान को पता है, पर किसको पता है ये बात? इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं ना मैं विषय विग्रह हूँ, लेकिन मुझे इतने आनंद मिलता है, राधा रानी को कितना आनंद मिलता है, एक करोड़ ज्यादा गुण, मतलब राधा रानी को मुझे कितने मेरे से करोड़ ज्यादा आनंद, इतने आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है। इसलिए राधा रानी के सर में जो जिनको मान है जो चित्र जल्प प्रजल्प अभिजल्प ये राधा जी के अंदर विष्णु भाव में और इस अंदर में नहीं है। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं मेरे से उनको एक करोड़ ज्यादा आनंद मिलता है, अभी मैं ये आनंद कैसे आस्वादन। इसलिए मेरे को चोरी करना पड़ेगा, क्या चोरी करना पड़ेगा? राधा जी आप कार्य चोरी। इसलिए यहाँ पर कहे अगर जैसे जैसे भक्त भगवान का जो प्रेम को आस्वादन करते हैं कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भक्ति को, हम जो भक्ति का आस्वादन करते हैं कैसे करते हैं अभी बात में पूछता था भक्ति को द्वारा ही भक्ति भगवान का प्रेम को आस्वादन करते हैं।
क्या पढ़ते थे, कहते भैया कि पहले भक्ति के द्वारा आस्वादन करें भक्ति, इसलिए भक्ति कहाँ रहता है, बोले भक्तों का हृदय में रहता है, भक्तों का हृदय में भक्ति रहता है, इसलिए उसको कौन दे सकता है, भक्त ही दे सकता है और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि रहता है भक्तों का हृदय और कोई दे नहीं सकता, भक्तों का हृदय भक्ति दे सकते। अभी कहते भक्ति मिलेगी कैसे, बोले तीन चीज को द्वारा भक्ति मिलेगी, सबसे जल्दी अगर कोई भक्ति बनाना चाहते हैं वो तीन वस्तु को तरफ पा सकते हैं, कैसे, एक तो भक्तों का चरण मूल्य, दूसरा भक्तों का चरण मूल्य, तीसरा भक्तों का प्रसाद का ऐसा, इसलिए तीन चीज को तरफ जल्दी से जल्दी भक्ति प्राप्त हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे थे भैया भक्ति केवल भक्तों की कृपा से चरण धूलि से मिलेगा, इसलिए कृष्ण क्या करते भक्तों को पीछे पीछे चलने, भक्तों को पीछे पीछे चलने पर क्या होगा, उनकी चरण धूलि ढूंढ कर सर्व मिलेगा, अगर उनकी चरण धूलि गिरेगा ना भक्तों का चरण धूल से भक्ति मिलता है, फिर मेरे को भक्ति मिलेगी, फिर अगर मेरे को भक्ति मिलेगी ना, ये भक्ति को द्वारा मेरे अंदर में क्या आनंद है, ये भक्ति को द्वारा मैं आस्वादन कर सकता हूँ, आस्वादन नहीं, इतने भक्तों की चरण मिलना, इतने ताकत भक्त की चरण मिलना, इसलिए प्रिया के भजन है एकाद भक्त जीवन भक्त तनि मते तोर स्वार्थ चात्र जीना, बात में एकाद भक्त जीवन जीवन ही भक्त है, इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण भक्ति जन्म और जो मूल है वो क्या है, साधु कृष्ण भक्ति केवल साधु सदस्य ही मिलेगा, कृष्ण प्रेम जन्मे, कृष्ण प्रेम कहाँ से जन्म होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का केवल साधु संग और कुछ नहीं, केवल साधु संग से ही, इसलिए तीसरा लाइन कहते हैं बोले महत कृपा बिना और घर में भक्ति नहीं, बोले कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नाश, इसलिए यहाँ पर कहते हैं महत कृपा बिना, जब तक किसी महान साधु को कृपा नहीं होगा, इसलिए नारद जी व्यास व्यास दे मेरे को जो इतने काम उम्र में जो भक्ति मिली, मेरा जो इतने महीना क्यों, एक ही कारण है इतने जल्दी मेरे को जो भक्ति प्राप्त हो गई केवल साधु की सेवा से, साधु संग से और साधु से अपने और कोई बात, तभी मेरे को इतने कामों पर भी इतने भक्ति भावना और इतने मेरे नाम केवल साधु सेवा से, साधु कृपा से, हाँ साधु से हरी कथा सुनने पर इतना, तभी मेरे को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और कोई उपाय, इसलिए आप कहते हैं महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, मतलब क्या है महत का कृपा छोड़ करके भक्ति प्राप्त करने का और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय नहीं, इसलिए कहते कृष्ण भक्ति दूरे रहो, है बोले भैया कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात, बोले संसार ना है जो संसार है ना, ये संसार जो है कहते साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे मतलब मात्र साधु संगे सर्व चिंतन, अतएव सर्वशास्त्र ही साधु संगे महिमा बदली तभीना छे, इसलिए जितने सारे शास्त्र पढ़ो हर शास्त्र में किसकी महिमा गाई, तो सर्व शास्त्र में साधु का ही महिमा गाई रही हो, कथा असाधु असदाचारी अवैष्णव संगे हरिणाबाद श्रवण कीर्तन परिवार आदेश ना है, यहाँ पर कह रहे हैं
कहीं भी आप नहीं सुनोगे जो असार होंगे और जो सदाचारी है, चरित्र लप्पट, चरित्र विहीन, जो अवैष्णव है, इनकी संग में हरि नामादि श्रवण कीर्तन करने का कोई आदेश नहीं। कहीं भी ये आदेश नहीं, अवैष्णव संत को साथ में हरि कथा कीर्तन भजन करना कहीं भी नहीं। जब नाम अपराधी है, जब नाम अपराध करने वाले व्यक्ति गणेश शंकर सर्वत्र परित्यज कई बार आदेश आचे, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो नाम अपराधी है तथा संघ हर जगह में परित्याग करने के लिए बताए, हर समय की परित्याग करने के लिए बताए। ये विषय श्रीमद् भागवत है शंकर श्लोक में भगवान कपिल देव अपना नाम को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतान बोला जोर से, सतान प्रसंगात्म बीज संकीर्त भगवते ऋषि कर्ता रसायन कथा ताजो सन आशु अपवर्ग कर्मणि श्रद्धा रति भक्ति अनु साधु संत महिमा भगवान स्वयं कह रहे। क्या कह रहे? किसकी संग करनी चाहिए? जब माँ ने पूछा बेटा कि चंचल मन, कि मन तो भजन में लगता है, कि चंचल मन को हम कैसे भक्ति में कैसे लगा सकते भगवान का, तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले सदा प्रसन्न माँ, तुम वैष्णव का शुक्र भक्तों का ही संग में प्रसन्न। प्रसन्न मतलब उनको अनुसरण करना, शुद्ध भक्तों का संगम को अनुसरण करना, इसलिए संगत ही होता प्रसन्न। प्रसन्न मतलब क्या? साधु संग कर्म में रहते हैं साधु संग में, लेकिन साधु संग में रहते हुए भी साधुओं का आदेश उपदेश हमारी मतलब जैसे उदाहरण दिया, साधु होता है ना किसी जगह जगह रूप होता है साधु, लेकिन उसमें ही चूप को कह रहता है अभी ना, उसमें चूप को कह रहता है, वो क्या करता है? उसका खून चूसता है, इसलिए साधु संघ से हमें खून नहीं चूसनी चाहिए, साधुओं को खून नहीं चूसनी चाहिए है, इसलिए क्या करनी चाहिए? संग करनी चाहिए और हमें सेवा करनी चाहिए। सुख जब तक सेवा नहीं करते ना, तब तक परिवार नहीं मिलेगा, सेवा को पड़े पड़े। इसलिए देखो हमारे गुरु जी कहते थे, एक गृहस्थ व्यक्ति मठ मंदिर में जो तुम खाते हैं बहुत देता है, गृहस्थ और वो कितना घंटा परिश्रम करता है, 8-8, 10-10 घंटा परिश्रम करता है गृहस्थ व्यक्ति। अक्सर करके कार में जो पैसा आता है यही पैसा आता है, गुरु जी कहते थे उसको हजम करना विचार करना हजम करना कठिन है। कहते थे कितना भजन करो, जैसे वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमें जो दिया है उसका ही कैसे छुपेगा जब हम भजन करेंगे, जब भजन करेंगे उसने जो हमें दिया है उसका चीज जो खा रहे सारा पुण्य तुम्हारी बोले जो परिश्रम करके कमाता है उसका वस्तु तुम खा रहे हो, जो खाओगे फिर क्या होगा? तुम्हारे जितना सुख कौन लेगा? जो तुमने दिया खा लिया जिसका उसको तो ले लिया, पर उतना भजन करो उसको दे करके कुछ बचनी चाहिए। जैसे बैंक बैलेंस अगर लेते रहोगे तो खत्म हो जाएगा ना, पैसे नील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए उतना भजन करो, हरिनाम सेवा करो। हम जो मंदिर में जो खाना है यदि ये सब दान पुण्य खाना उतना भजन करो, जैसे उसका ऋण से चुकानी चाहिए, इसलिए हमें सेवा और हरिनाम करनी चाहिए। कम से कम अपना बैलेंस करो, ऐसे नहीं जिसने सब कुछ दिया खाता है सारी चीज धो ले लिया, हाथ हमारी खाली, हाथ हमारी खाली नहीं होनी चाहिए। इसलिए बताए संतोष कमला लाश में क्या करनी चाहिए है, यदि क्या करनी चाहिए? दीक्षा द्रव्य मुद्रा विवाह करनी चाहिए, ब्रह्मचारियों को रोज घर से बाहर करनी चाहिए, जाकर उतना भिक्षा करो जितना भिक्षा गुरु जी के लिए हो जाए, ठाकुर हमारे लिए हो, हमारे लिए हो,
इसलिए सेवा की बड़ी इसलिए अगर सेवा नहीं करें क्या होगा, अगर धीरे धीरे जितना थोड़ी हो तो हमारी चीज जो निष्ठा है वो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी गुरु जी कहते हैं भैया इस साइकिल पर रगड़ करके सेवा में लगा दो, भगवान की भक्ति में भजन में लगा दो, नहीं तो दूसरे लोग सब कुछ हमारे ले जाएगा फिर लास्ट को खाली हाथ हो जाएगा, क्यों खाली हाथ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक विषय तद सदा प्रसंगात मम अभिज्ञ संदेह हो, इसलिए संगति प्रसंग प्रसंग मतलब होता है अपना जीवन को भी कुछ उतारनी चाहिए, इसलिए कथा मम अभिज्ञ संदेह हो प्रभुवाद कथा। अगर वो कथा को श्रवण किया करो तो क्या होगा, पहले श्रद्धा उसके बाद में भाव में प्रेम प्रकट हो और संगत द्वारा आप वर्ग बनी वर्ग मतलब जो वर्ग है क्या हो जाएगा हमारे समाज में सर्वैश्रव है व्यर्थता मृत्यु और भय है बाप ये सब कुछ समाप्त हो भक्तों का सदस्य ही ये सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इसका तीसरा श्लोक में कहते हैं अगह श्री कृष्ण नामादि न भवेत राज्य सेवक मुख ही जुआ तो स्वयं नहीं बस अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत राज्य पर भगवान की जो नाम है कहते न भवेत राज्य बोले चढ़ इंद्रियों को द्वारा श्री कृष्ण नाम उच्चारित करेंगे इसलिए कैसे करनी चाहिए बोले सेवक सेवन मुख की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे देखो हमारे गुरु जी कहते हैं अगर हम दिन भर सेवा करते हैं सवेरे उठ करके ठाकुर को स्नान करना आरती करना प्रसाद बनाना जैसे मंदिर साफ करना अगर दिन भर हम सेवा करते हैं ना दिन भर सेवा करते हैं सेवा करते करते जब थोड़ी समय मिलेगा जब तुम माला लेकर बैठे तो तुम क्या सीखा कर सेवा अभी नहीं अभी ठाकुर को जगाना जगाने ठाकुर जी क्या करो अगर माला लेकर जब भजन करोगे ना अगर तुम्हें सेवा की सेवा करते हो माला करते करते किस चीज की याद आएगी सेवा। अगर हम सेवा नहीं करते माइंड फ्री है अगर माला लेकर बैठो तो क्या चीज की याद आएगी पता क्या याद आएगी सारा दुनिया की याद आएगी इधर उधर उल्टा पुलटा। इसीलिए कहते पिछले हमारे गुरु जी कहते थे हर समय सेवा में लगे रहेंगे जब हम सेवा में लगे रहेंगे फिर क्या होगा हमारे दिमाग सेवा की चिंता करेगा नहीं अब ये सेवा की आदत लगेगा लेकिन आप थोड़ी सी नाम करोगे थोड़ी सी नाम करोगे हमारी सेवा की याद करते हमारी सेवा इसलिए बापू साहब महाराज कहते नहीं किसी चीज को सेवा की दायित्व लेकर करो वो कहते जो सेवा की दायित्व जिसको करते नहीं वो सेवा नहीं दायित्व लेकर भगवान की सेवा को दायित्व पूर्वक सेवा नहीं ये हमारी ये सेवा है इतने बजे ठाकुर को ये सेवा करनी चाहिए ये सेवा करनी चाहिए दायित्व बगैर दायित्व सेवा सेवा नहीं करते। इसलिए कहते हैं सर्वत मुख ही जुहादो सूरत स्वयं एक असूरत हो जब सेवन मुख की हमारी भक्ति आएगी ना खैर नाम अपने आप जुहा में शुद्धता अपने आप जागृत होगा हाँ सेवा करते गए। इसलिए जब श्री इंद्र विरोचन भैया जब वापस रहे सर राक्षस लोग भैया क्या पूछो ये कोई ब्रह्म विद्या पूर्ण नहीं शरीर को अच्छे तरह से खिला मिला उसके पूछते गए क्योंकि हमने बोल दिया ना परछाई ब्रह्म दिख रहा है तो ये शरीर में था मिला मिला इसलिए कभी किसका एक धर्म है राक्षसों का धर्म है तो शरीर को पुष्टि करके मिला मिला शरीर को पुष्टि कर उसको जो वापस आया इंद्र बोला ये परछाई कैसे ब्रह्म हो सकता है इसलिए बता घर उन्होंने बोले और 25 साल गया था उसके बाद में फिर जो स्वप्न को उन्होंने बताया है स्वप्न जो देखते हैं भैया स्वप्न में देखते हैं रात को
हैं, रात में अगर सोए होंगे डेवलप करके सवेरे देखो हाँ क्या है वो खट्टे किए बिस्तर में लेते हुए रात को बड़े सोचने के दिन खाने के फिर मैंने सुसुप्त अवस्था में उन्होंने बताया तीसरा वाला और 25 साल ले लिया जाए सुसुप्त अवस्था एकदम जो काट देता है सो जाए तो भैया उस समय मुझे इतना बन रहा है कि ये हो गया ए बोले और 25 साल जो 100 साल लिया चलाए मैंने आत्मा परमात्मा को इसलिए यहाँ पर कहते भैया उन्होंने पहले क्यों नहीं बता दिया कार में किया कार में खेल था अभी संस्कार नहीं है अभी संस्कार हमारे नहीं है इसलिए संस्कार बनेगा कैसे सेवा से इतने ठाकुर को इस तरह सेवा ठाकुर को सेवा करके ठाकुर जी तभी सेवा करेगा ठाकुर जब सेवा करेंगे सेवा प्रति को देख करके उसको पता कैसे क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अगर मैं पति का पैसा पाए ना पूरा पैसा दो इतना पैसा क्या तो इतना पैसा क्यों दिखा दें उसका 1000 रुपये कर दें मैं उसने सब कुछ दिया कार ने किया सेवा इसलिए सेवा के द्वारा ही सेवा सेवा के बारे में हुआ नहीं इसलिए हमें क्या करनी चाहिए शरीर को रगड़ के हुआ किसी को सेवा में लगा तो ठाकुर देखते हैं घर को ठाकुर के अगर देखेंगे हैं जैसे घर में कोई डॉक्टर है मालिक बैठा हुआ अगर डॉक्टर मालिक देखती तब देखता रहता है सेवा करोगे उनकी साफ सुथरा करोगे बढ़िया से रखोगे ये करोगे बस मालिक अपने आप प्रसन्न हो जाएगा और वो तो नौकर पैसा देगा और बिना पैसा के तो सेवा करना है वो तो पूरा सर्वस्व सर्वस्व इसलिए तो भगवान भक्तों में क्यों इतना किसी लिए भगवान इतने रीत जाते हैं कि दिन भर बिना पैसे के दिन भर में सेवा करता रहता है कुछ हमसे मांगता है उल्टा मेरे सेवा करना जय राधा माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.